हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जो कि क्लास नंबर 7, जो कि मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए। 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको जो है एग्जाम आपको रट लेना है। एग्जाम में जो है बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी जो है आने के बहुत सारे चांस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं आज का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लास नंबर 7। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैं जितने वीडियो अपलोड किया है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का, तो उसका जो है मैंने एक बना दिया है प्लेलिस्ट, तो आप जाके सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे या मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको सारा वीडियो अवेलेबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करने से क्लास। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, इसको दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस तरह का वीडियो आए तो आपको अपडेट मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आज एक्सेल का जो क्लास में 7 है उसका पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से आप किस फॉर्मेट को जो है ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में अप्लाई करने या ना करने का डिसाइड कर सकते हैं। किस फॉर्मेट में? नंबर फॉर्मेट में, बॉर्डर फॉर्मेट में, फॉन्ट फॉर्मेट कि ऑल ऑफ द एबव में? इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। मतलब इसमें जो है हम ऑटो फॉर्मेट जो डायलॉग बॉक्स है वो हम नंबर फॉर्मेट में कर सकते हैं, बॉर्डर फॉर्मेट में कर सकते हैं और फॉन्ट फॉर्मेट तीनों में कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेल में लागू किया गया बॉर्डर को कैसे हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपको बोथ ऑफ द एबव, मतलब ए और बी दोनों तरीके से, मतलब चूज नन ऑफ बॉर्डर टैब ऑफ सेल फॉर्मेट्स, ठीक है, या ओपन द लिस्ट ऑन बॉर्डर टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार, देन चूज फर्स्ट टूल नो बॉर्डर। इसमें हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सेल में जो है सेल की रेंज के लिए शेडिंग कलर कहाँ से सेट करते हैं हम लोग, कहाँ से करते हैं? तो जो डायलॉग बॉक्स है कलर का पैटर्न टैब से, उसे भी करते हैं। चूज रिक्वायर्ड कलर ऑन फिल कलर टूल इन द फॉर्मेट टूल बार, यहाँ से भी करते हैं। और चूज रिक्वायर्ड कलर ऑन फिल कलर टूल इन ड्राइंग टूल बार, इन तीनों से करते हैं, मतलब ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर ये हो जाएगा, मतलब हम तीन तरीके से जो है इसका कर सकते हैं सेटिंग के कलर सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सेल में जो है पेज बॉर्डर कहाँ से सेट करते हैं हम लोग, जो पेज का बॉर्डर देते हैं वो कहाँ से सेट करते हैं? तो क्या डायलॉग बॉक्स से करते हैं, फॉर्मेटिंग टूलबार से करते हैं कि ड्राइंग टूलबार से करते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, जो एक्सेल का सीट होता है, ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग पेज का बॉर्डर इसमें नहीं होता है, ठीक है, इसमें क्योंकि पेज होता ही नहीं, तो पूरा सीट है, ठीक है, वर्क सीट है। तो जगह इसका ऑप्शन नंबर डी, यू कैन नॉट पेज बॉर्डर इन एक्सेल, एक्सेल में जो हम लोग पेज बॉर्डर नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यदि 0 से 100 तक सभी संख्या लाल रंग में प्रदर्शित करनी हो, तो यानी 0 से लेकर 100 तक लगातार दिया है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से 100 तक दिया है, सबको हमको रेड कलर में करना है, तो हम क्या करेंगे? इफ फंक्शन से हम रेड करेंगे कि अप्लाई कंडीशन फॉर्मेटिंग कमांड से हम फॉर्मेट पेंडू में जाके करेंगे, या सेलेक्ट द सेल्स, सेल को सेलेक्ट करेंगे 0 से 100 तक और उसको हम रेड कलर से टेस्ट कलर को टूल से कर देंगे, क्या करेंगे कि ऑल ऑफ द एबव? इसका हो जाएगा आपको किसे करेंगे, ये करेंगे हम अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड, ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे अगर हम लोग कमांड से कर सकते हैं, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड से इसको हम लोग करेंगे रेड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करते हैं तब जो है आप किसके अगेंस्ट कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, सेल वैल्यू का, फॉर्मूला का, जो ऊपर है उस दोनों कि नन ऑफ द एबव? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द एबव, मतलब हम सेल वैल्यू और फॉर्मूला दोनों के अगेंस्ट में हम चेक करते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के संदर्भ में सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है उसको बताना है इस चारों ऑप्शन में से, या इसका जो है आपको ऑप्शन नंबर बी, ये आपको जो है गलत है। यू कैन सेट कंडीशन टू लुक फॉर बोल्ड
एंड अप्लाई इटैलिक्स ऑन देम, यानी जो है हम लोग जो लगाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो उसको हम लोग बोल्ड और अप्लाई कर सकते हैं, इसमें दिया गया तो हम लोग वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये चीज़ गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, हम लोग बोल्ड और इटैलिक नहीं कर सकते, हम लोग कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो ओमानी वाक्य है, जो ओमानी वाक्य उसको बताना है इन चारों में से, तो कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द विड्थ ऑफ ए रॉ कैन बी स्पेसिफाइड मैनुअली और फिट ऑटोमेटिकली। मतलब हम लोग जो है रॉ का जो चौड़ाई है कैन बी स्पेसिफाइड मैनुअली या ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ओमानी वाक्य वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉर्मूला पैलेट को डैश के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है इन चारों में से, तो ये क्या आता है आपको ऑप्शन नंबर बी के लिए, मतलब क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूला कंटेनिंग फंक्शंस, बी ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट है कि जब एक रेंज सेलेक्ट हो तो आप पहली सेल को एक्टिव कैसे कर सकते हैं, कोई भी अगर सेल को एक्टिव करना हो, अगर सेल रेंज सेलेक्ट हो तो कैसे कर सकते हैं हम बताइए, प्रेस द ऑल्ट की, टैब की, इंटर की, नन ऑफ द अबव, हम लोग इसमें से कोई भी तरीका से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब एक रेंज सेलेक्ट किया हुआ है A1 से लेकर मान लीजिए C3 तक, तो हम लोग कोई भी एक सेल को एक्टिव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी टूल को आप कुछ सेल्स को ज्वाइन करने के लिए तथा ज्वाइन किए गए सेल्स के बीच कंटेंट को रखने के लिए प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार, यानी हम लोग जो है दो अगर सेल को मिलाना है तो हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे और सेंटर टूल बार करेंगे, जो कि आपको फॉर्मेटिंग टूल बार में मिल जाएगा टैब में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल स्क्रीन पर टैब स्क्रॉल बटन्स होते हैं, कहाँ पर होते हैं वो बताना है आपको, टू वॉच द बॉटम राइट कॉर्नर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर की टॉप लेफ्ट कॉर्नर, क्या हो जाएगा, हो जाएगा लेफ्ट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि फॉर्मूला बार के बाईं तरफ का जो है नेम बॉक्स क्या होता है, फॉर्मूला बार का बाईं तरफ का नेम बॉक्स क्या होता है, क्या होता है इसका, इसका होता है शो द नेम ऑफ सेल ऑफ रेंज करेंटली वर्किंग ऑन। ठीक है, उस सेल में जो रेंज में आप काम करें करेंटली उसको वो बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि प्रत्येक एक्सेल फाइल एक वर्कबुक होती है जो अलग अलग शीट्स रखती हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है वर्कबुक में जो है शीट नहीं हो सकती, कौन सा जो है शीट नहीं हो सकती, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, डेटा शीट, ये जो है आपको वर्कबुक में शीट नहीं हो सकती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सेल के कंटेंट को एडिट करने का सही तरीका नहीं है, हम जो सेल को कंटेंट को एडिट करते हैं उसका जो सही तरीका इनमें से कौन नहीं है, प्रेस द अल्ट की, प्रेस द F2 की, फॉर्मूला बार और डबल क्लिक द सेल, क्या प्रेस द अल्ट की, ये नहीं है, हम F2 से कर सकते हैं, फॉर्मूला बार से कर सकते हैं और डबल क्लिक द सेल से कर सकते हैं, लेकिन इससे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सेल में आप डेटा सोर्स के साथ मुख्य दस्तावेज को जोड़ सकते हैं क्योंकि मेल मर्ज ऑप्शन में वर्ड का होता है। ठीक है, तो एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह से हम मेल मर्ज जो वर्ड में करते हैं उस टाइप का एक्सेल में हम डेटा सोर्स को मुख्य दस्तावेज को जोड़ सकते हैं, तो क्या होगा इसका, हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, क्लाइंट ऑप्शन से जो है हम एक्सेल में डेटा सोर्स के साथ मुख्य दस्तावेज को जोड़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक्सेल में कि ऑटो कैलकुलेट मोड डिसेबल है तो आप फॉर्मूला सेल्स की वैल्यूज़ को अपडेट कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये करते हैं हम लोग F9 से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर डिसेबल है कैलकुलेट मोड तो हम लोग F9 से इसको अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक्सेल में जो है ऑटोमेटिक या मैनुअल कैलकुलेशन मोड को कहाँ से बदला जा सकता है, हम लोग कहाँ से बदल सकते हैं ऑटोमेटिक या मैनुअल कैलकुलेशन मोड को एक्सेल में। ठीक है, कहाँ से बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी से, यानी हम लोग जाएंगे गो टू टूल्स में, फिर जाएंगे ऑप्शन में,
फिर जाएंगे कैलकुलेशन एंड मार्क द कॉरस्पेंडिंग रेडियो बटन, वहाँ पर आपको मिलेगा रेडियो बटन, वहाँ पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी से हम लोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल वर्कशीट में ग्रिड लाइन को हाइड या शो कैसे कर सकते हैं। तो जो फ्रेंड्स एक्सेल में जो शो होता है सेल, ये हम चाहे तो इसको हम दिखा भी सकते हैं या इसको हम हाइड भी कर सकते हैं, तो वो हम कहाँ से कर सकते हैं, किस ऑप्शन से कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द एबव, मतलब हम जाएंगे गो टू टूल्स में ऑप्शन में और व्यू टैब एंड मार्क और रिमूव द चेक नेम्ड ग्रिड लाइंस या क्लिक ग्रिड लाइन टूल ऑन फॉर्मेट टूल बार, ये दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित एक्सेल शीट जो स्क्रीन है, एक्सेल स्क्रीन घटक में कौन सा जो है टर्न ऑन या ऑफ नहीं हो सकता, फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, टूल बार या नन ऑफ द एबव, कौन सा नहीं होता। तो ये आपको फॉर्मूला बार को भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्टेटस बार को भी, टूल बार को भी कर सकते हैं, मतलब नन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाए, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में कुछ सेल्स को चयनित करने पर कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करने पर क्या होगा, क्या होगा अगर हम कोई सेल को, यहाँ बहुत सारा सेल है इसको हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और उसको हम दबाए कंट्रोल प्लस एक्स, तो वह पूछ रहा है कि क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ए बी सी डी, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब द सेल्स सेलेक्टेड आर मार्क्ड फॉर कटिंग, वहाँ से हम क्या करते हैं कंट्रोल एक्स से कटिंग करते हैं, तो कट से वहाँ पर कट हो जाएगा, हम यहाँ पेस्ट करें वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन जो है पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है, हम लोग जो करते हैं पेस्ट स्पेशल वहाँ होता है डायलॉग बॉक्स जो, ठीक है, उसे ऑप्शन होता है, तो उसमें कौन सा नहीं होता है, एड सबसेलेक्ट ड्राइव या एस क्यू आर टी, कौन सा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होता है, एस क्यू आर टी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा के कॉलम को रो में बदलने के लिए, कोई डेटा है ठीक है उसके कॉलम है उसको रो में बदलने के लिए हम कौन से कमांड को चूज करेंगे, ठीक है, कट पेस्ट, एडिट पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज की, बोथ ऑफ द एबव की, नन ऑफ द एबव, तो हम लोग करेंगे क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी, मतलब एडिट करेंगे फिर जाएंगे पेस्ट स्पेशल में फिर जाएंगे ट्रांसपोज में, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये सब जो है आपके लिए मैंने एक स्पेशल ई बुक तैयार किया है, बेल्ट्रॉन का जो सिलेबस है NIOS का, उसकी तरफ से जो जारी किया गया है, तो उसके आधार पर जो है मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर ई बुक तैयार किया है, डेटा एंट्री ऑपरेटर MCQ ई बुक स्पेशल जो है NIOS के सिलेबस पर आधारित है, जो कि आपको ओनली फॉर 39 rupees में ये बुक अवेलेबल है, उसका लिंक जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, फंक्शंस की शॉर्टकट से सारा कुछ मैंने इसमें दिया है, इसको जाकर एक बार ट्राई जरूर कीजिए, आपको लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कि यह स्वीकार है कि एक बड़े टेक्स्ट को एडजस्ट सेल में रहने दें, यदि इनमें से कौन, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, नो डेटा विल बी इंटर्ड इन द एडजेसेंट सेल, हम लोग कोई भी डेटा जो इंटर नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा सेल पॉइंटर दर्शाता है कि आप सिलेक्शन बना सकते हैं, कौन सा सेल इनमें से बताइए कौन सा सेल दर्शाता है, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डॉक्टर सिंबल बिग प्लस, ठीक है, ये सेल जो है आपको सेल पॉइंटर दर्शाता है कि आप सिलेक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा सेल पॉइंटर दर्शाता है कि आप सीरीज को फिल कर सकते हैं, कौन सा, तो ये जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल थिन प्लस आइकन, ये आका आपको जो एगो सेल के नीचे में यहाँ पर दिखता होगा प्लस हल्का सा, इसे जो है आप फिल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि आप डैश के द्वारा जो है कॉलम की चौड़ाई को ऑटोफिट कर सकते हैं, तो किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी के द्वारा, ठीक है, यानी डबल क्लिकिंग ऑन कॉलम राइट बॉर्डर ऑन कॉलम हेडर, मतलब ये जो है बहुत सारा कॉलम रहता है, मान लीजिए यहाँ कुछ वर्ड लिखे हम, ये थोड़ा बड़ा बाहर आ गया, तो हम यहाँ पर जो है अगर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये ऑटोमेटिक साइज ले लेगा, ठीक है, इसलिए आप करते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग टेक्स्ट एक सेल में के साथ एक से अधिक लाइन में टूट सकता है, आप ऐसा डैश के द्वारा कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, ये होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, रैप टेक्स्ट इन फॉर्मेट सेल्स के, रैप टेक्स्ट करने से इसको हम नीचे कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि MS Excel फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स में
स्टेप के लिए डैश डिफॉल्ट वैल्यू प्रदान करता है, कौन सा ये करता है आपको, डिफॉल्ट वैल्यू एक करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा सेल पॉइंटर दर्शाता है कि आप दूसरे सेल के कंटेंट को मूव कर सकते हैं, किससे हम मूव कर सकते हैं, ये कर सकते हैं हम ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, माउस पॉइंटर विथ एंचर एट टिप, ठीक है, इसके द्वारा हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा क्लास 7 योग्यता एक्सेल का, आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको जो है आप लोग, मैं जो आपको जॉब दिया इससे पहले आप लोग जॉब दे दीजिएगा माइंड में, ताकि आपको जो है एक तरह पता कि क्या आपको तैयारी चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।